अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। तो उसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और उनको बगैर छिले ही स्किन के साथ ही मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर दिया है। और इनको मतलब आधा घंटे करीब नमक में लगा के रख दिया था, फिर इनको वॉश कर लिया है। और इसमें जो जाने वाला है, इसमें मैं करेले और प्याज बना रही हूँ। तो जितने करेले हैं उतनी मैं प्याज डाल रही हूँ। तो ये आधा किलो मैंने प्याज ली है, इसको बड़ा बारीक बारीक कट कर लिया है। उसमें लहसुन है, इसमें सारा सब कुछ खड़े मसाले का बना रही हूँ मैं। इसमें लहसुन भी है, ये 8 से 10 कलियाँ थी, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसमें जीरा है 1 स्पून, और इसमें प्याज के पीस है, जो हरा डंडी आ जाती है, मतलब ग्रीन वाली प्याज, ये वो है, वो भी मैं इसमें साथ में डाल रही हूँ। और 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है, ये भी इसमें मैं डाल रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, मैंने ये 2 बड़े चम्मच भर के सरसों का ऑयल लिया है, और इसमें सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह करके जीरा डालती हूँ। और गैस को थोड़ा सा तेज रखती हूँ। आप इसमें लहसुन डालती हूँ, और ये प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा, ये भी डाल। देखिए, अब प्याज जो ग्रीन वाली डाली थी वो भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसमें। अब ये बाकी प्याज डाले दे रही हूँ। अब इनको फ्राई करूंगी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, लेकिन इनको पहले थोड़ा सा सौते करूंगी, फिर इसमें करेले डाल के फिर कलर चेंज होने तक फ्राई करूंगी। अब देखिए, प्याज हमारी सौते हो गई है, तो इसमें हम अपने ये करेले डाले दे रहे हैं, और इनका प्याज का और करेलों का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर। देखिए जी, एक तरफ हमारे करेले बन रहे हैं, और करेले के साथ साथ हम अरहर की दाल भी बना रहे हैं, खट्टी अरहर की दाल, और ये भी हम खड़े मसाले की बना रहे हैं सारी कुछ। तो ये हमने 200 ग्राम अरहर की दाल ली है, और उसमें हम डाल रहे हैं ये 1 प्याज है मोटी मोटी कटी हुई, थोड़ा सा लहसुन है मोटा मोटा कटा हुआ, और ये 1/2 इंच का टुकड़ा है ये क्रश करा हुआ लहसुन का, सॉरी अदरक का। और इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच डाल रहे हैं हम ये काला नमक है ये। हम अब खाने में हम यही नमक यूज कर रहे हैं, तो हम सारी सब्जियों में यही नमक डाल रहे हैं। और इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी, ये हमारे पास हरी मिर्च की चटनी है, हरी मिर्च धनिया की, तो 2 स्पून ये डाल रहे हैं। और खट्टेपन के लिए हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं, वही चीज हम डाल रहे हैं करेले में, और वही चीज डाल रहे हैं हम दाल में। ये अचार है हमारे पास आम का, तो ये 1 स्पून हम अचार डाल रहे हैं। और बस में अब गलने के लिए हम ये 1/2 लीटर पानी डाल रहे हैं। अगर हमें जरूरत लगी तो हम इसमें और भी डालेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं। देखिए, अभी कम है, इसमें पानी हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं। बस एक तरफ हमारे करेले बन रहे हैं, और एक तरफ हम अपनी दाल भी बॉईल होने रखे दे रहे हैं। ढक्कन लगाते हैं बस, और गैस पे 3-4 सीटी लगा के दिखा। देखिए, हमारे प्याज का भी कलर चेंज हो गया है अच्छे से। गैस को थोड़ा तेज करते हैं, लेकिन अभी करेलों का कलर चेंज नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ी देर और भूनते हैं, जिससे हमारे करेलों का भी कलर चेंज हो जाए। देखिए, करेले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 स्पून हल्दी,
दो स्पून धनिया है, एक स्पून है सौंफ का पाउडर, ये मोटा मोटा पिसा हुआ है, एक स्पून डाल रहे हैं लाल मिर्च और एक स्पून ही नमक डाल रहे हैं इसमें। और दो स्पून इसमें भी हरी चटनी डाल रहे हैं। दो से तीन स्पून डालिए और इसको डाल के अच्छे से भूनते हैं पहले, क्योंकि चटनी में लहसुन है, हर चीज है, तो उसका कच्चापन दूर होने तक इसको अच्छे से भूनते हैं। देखिए करेले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इनको थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते हैं इनको गलाने के लिए, थोड़ा सा इसमें, ये हमने आधा गिलास, ये आधा गिलास हमने पानी डाला है, बस इतना ही पानी हम रखेंगे थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट रखेंगे फुल गैस पे, और उसके बाद हम इसको सिम गैस पे कर देंगे और ढक के रख रहे हैं, 15 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। इतने हमारी दाल भी हो जाएगी, हम दोनों चीज़ आपसे साथ बना रहे हैं और दोनों चीज़ आपको सर्व करते हैं। ये चार सीटी आ गई हैं हमारी दाल में, देखते हैं दाल क्या कंडीशन में है। दाल हमारी अभी मिली नहीं है अच्छे से, जैसे रल मिल जाती है, अभी थोड़ा पानी और दाल अलग अलग हो रही है, तो कोई नहीं, इसके लिए हम और थोड़ी देर के लिए गैस चलाते हैं और इसे गैस पर रखते हैं। और इतने इसमें थोड़ा सा पुदीना है ये डाल रहे हैं, ये दो मिर्चें हैं इनके चार टुकड़े कर दिए थे ये डाल रहे हैं, और थोड़ा सा धनिया इसमें डाल रहे हैं, और एक स्पून डाल रहे हैं इसमें जीरे का पाउडर। इससे भी ना पचाने में बहुत आसानी होता है। और एक छोटी स्पून है ये इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। अब इसको 5 मिनट और पकाते हैं ऐसे ही, ताकि दाल ना अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल हमारी इतनी गलनी थी इतनी गल गई है, लेकिन थोड़ी अभी अलग अलग हो रही है, तो बस 5 मिनट इसको रखते हैं कम गैस करके, ढक के इसको, और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए 10 मिनट हमारे करेलों को हो गए हैं बनते हुए, और इसमें हमने अभी अचार डाला नहीं है, तो हमने दाल में जैसे डाला था वैसे ही हम सेम चीज डाल के, सेम मसाले, सेम इंग्रेडिएंट्स डाल के, और हम दो अलग अलग चीज बना रहे हैं। अब इसको अचार को अच्छे से मिलाए दे रहे हैं, और 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल, मैंने इस पर कम गैस की हुई है, और 10 मिनट के लिए मैं और इसको रख रही हूँ, फिर बस मेरी दोनों सब्जी हो जाती हैं और मैं सर्व करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए जी दाल हमारी बनके तैयार हो गई है, और इसको हम बघा रहे हैं देसी घी से, तो एक स्पून हमने देसी घी लिया है, और गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे। ये दाल मेरे चैनल पे पहले ही पड़ी हुई है, तुअर की दाल, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, तुअर की दाल भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारे घर कभी भी करेले प्याज बनते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी दाल जितनी दाल है, कोई भी दाल में से कोई दाल बनती ज़रूर है, खाली करेले नहीं खाए जाते हैं। तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा चलो करेले के साथ आज अरहर की दाल, हम लोग अरहर की बोलते हैं, कुछ लोग तुअर बोलते हैं, तो आज ये खट्टी दाल बनाई है, क्योंकि ये दाल मीठी मीठी तो अच्छी लगती नहीं है, तो थोड़ी खट्टी सी अच्छी लगती है इसको। बस इतने घी गर्म हो रहा है, इतने आपको मैं अपना बघार का सामान दिखाई दे रही हूँ। देखिए बघार का सामान इस तरीके से है, आधा चम्मच जीरा है, बहुत एक चुटकी है सरसों, और ये पूरा प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा है थोड़ा सा, ये भी मैंने कट किया है, ये एक प्याज है छोटी, और ये 5-6 कलियाँ लहसुन की हैं, और ये 4 से 5 है लाल मिर्च, और एक चुटकी है ये हींग की। तो बस मैं बिस्मिल्लाह करके शुरू करती हूँ इसमें डालना। तेल हमारा हो गया, घी हमारा हो गया है, तो पहले लहसुन डालती हूँ, क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा टाइम लगता है होने में,
थोड़ी हरी प्याज भी डाले दे रही हूँ साथ में। आप इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से हरी प्याज के साथ बहुत मज़ा आता है। इस तरह आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, एक बार ट्राई तो बनता है। आप करेले भी इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी से हैं। और जिन लोगों को शुगर है, करेले तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों को शुगर है और बहुत सारी परेशानियों में है, तो सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जियां, हर सब्जी है तो खूब अच्छे से दिल भर के सब्जियां खाई जाएँ। और दालें भी ज़रूर खाई जाएँ कि दालों में भी बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। अब इसमें हींग भी डाले दे रहे हैं ताकि हींग भी अच्छे से पक जाए। और ये 4-5 मिर्चें हैं, ये भी डाले दे रहे हैं ताकि ये भी अच्छे से इसमें पक जाए। हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। दाल में हम बघार लगा रहे हैं। दाल में हमारे बघार लग गए हैं। देखिए कितना शानदार हमारी दाल में बघार लगा है और बहुत अच्छी हमारी दाल बनी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और हमारे देखिए करेले भी बनके तैयार हो गए हैं। और कितने शानदार देखिए करेले बने, एकदम ड्राई, मतलब मसाले वाले। तो ये आज हमारे सेम, देख लिया आपने, देखा सेम सारे मसाले, सब कुछ सेम डाला है, लेकिन चीज़ें अलग अलग बनी हैं और अलग टेस्ट में बनी हैं और बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनी है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।